5 बजे खत्म होने के लिए निर्धारित किया गया था। ओ एम आर सीट का और जो बुकलेट का जो नंबर था वो बिल्कुल अलग था। हमें प्रेशर दिया जा रहा था कि आप एग्जाम दीजिए। फिर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तो एग्जाम नहीं देना है। फिर हमारे SDM साहब आए, उन्होंने भी बोला कि आप लोग बोल रहे हो ये है वो है। फिर मैंने बोला कि नहीं, राइट तो राइट है। यहाँ तक कि जो मेरे को बुकलेट मिली थी वो भी ओपन मिली थी और 90 मेरी सीरीज थी और मुझे 88 की बुकलेट मिली और 90 मेरे को OMR शीट मिली। कम से कम कितने बच्चों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? 40 बच्चों में हमारे यहाँ पर करीब कुछ नहीं तो 10 बच्चे निकाल देंगे, करीब 30 से 35 बच्चे। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप इसके लिए? अभी मेरे ख्याल से तो या तो ऊपर का प्रशासन होगा या विद्यालय में क्या हुआ, आई डोंट नो। समय दिया गया था उससे परीक्षा देने में लेट आप लोगों क्यों हुई? ये जो हमें बुकलेट दी गई थी, बुकलेट में 2 OMR सीट दी गई, OMR 2 OMR सीट वजह से उसका सीक्वेंस जो था बुकलेट नंबर और OMR सीट का जो सीक्वेंस था वो चेंज था। इसी वजह से क्या कहता है परीक्षा जो हुई हमारी क्या कहता है देर तो थोड़ी गई है। और